Hello everyone, my name is Mini and I welcome you all to my channel Daily Review. So friends, today I'll be reviewing about another face wash. So as you can all see on the display that this is Everyouth Naturals. और जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको इसकी रिव्यू बताने वाली हूँ जो आपके बहुत काम आ सकती है, और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो जो है पसंद आएगी. लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रेंड्स. तो ये Everyouth Naturals का नीम फेस वॉश है, और इसकी जो प्राइस है वो है 4 रुपीज़ 80, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं. एंड इसकी जो नेट वॉल्यूम है वो है 100 ग्राम्स की ट्यूब है ये फ्रेंड्स. बट मैं ये कहूँगी कि ये एक बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग प्रोडक्ट है, बिकॉज ये अप टू द मार्क बिल्कुल भी नहीं है. जैसे कि ये क्लेम कर रहा है कि ये नीम फेस वॉश है. नीम ज़्यादा करके फेस वॉश मार्केट्स में बहुत से मतलब ब्रांड्स के अवेलेबल है. वन ऑफ द बेस्ट इज़ हिमालयाज नीम फेस वॉश. मैंने उसकी रिव्यू भी अपने चैनल पे बताई हुई है फ्रेंड्स, तो आप मेरे चैनल पे जाके नीम हिमालय की नीम फेस वॉश की रिव्यू देख सकते हैं, आपको उसकी इन्फॉर्मेशन बहुत काम आ सकती है. नीम ज़्यादा करके वो लोगों को टारगेट करता है जिनको एक्ने और पिंपल प्रॉब्लम है, जिनकी ऑयली स्किन है. बट Everyouth का ये प्योरीफाइंग नीम फेस वॉश बिल्कुल भी अपने आप को प्रूव नहीं कर रहा है फ्रेंड्स. ये मैंने मुझे काफ़ी टाइम पहले मैंने इसे परचेज़ किया था. फ़िलहाल मैं इसे अब यूज़ नहीं कर रही हूँ, बिकॉज आप इससे अगर अपना फेस क्लीन करते तो सबसे पहली बात तो क्लीन करने के बाद भी आपको ऐसा फील होगा दैट अभी भी फेस पे कुछ मैल मिट्टी है जो बराबर से इसने निकाली नहीं है फेस पे से. और दूसरी बात, आपको वेरी सून मतलब घंटे दो घंटे में ही आपको बहुत ज़्यादा फेस के अंदर आपको ऐसा फील होगा कि जैसे बहुत स्वेट रिलीज हो रहा है, और आपको ऐसे लगेगा जैसे आपने फेस क्लीन ही नहीं किया है सुबह से. तो मतलब बिल्कुल भी ये प्रोडक्ट जो है काम का नहीं है फ्रेंड्स. तो मैं आप सबसे यही कहूँगी कि ये Everyouth का नीम फेस वॉश भी तो प्लीज़ परचेस ना करें. मन तो आपका बहुत ज़्यादा दुखी होगा ही होगा, और प्लस आपके 80 रुपीज़ भी जो है वो वेस्ट हो जाएंगे. एंड वॉट एल्स टू से अबाउट दिस थिंग, यहाँ पे लिखा हुआ है नीम एंड नैनो मरीन एक्सट्रैक्ट्स. ये फेस वॉश मैं आपको इसको अंदर से बता देती हूँ ये किस तरीके से इसकी लिक्विड बेस है. ये देखिए, ये इस तरीके से एक ट्रांसपेरेंट बेस है, और इसके अंदर एक पार्टिकल्स है जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स क्लियरली. ये आपको ये ब्लू या डार्क ग्रीन कलर के ये जो पार्टिकल्स हैं ये नैनो एक्सट्रैक्ट्स हैं नीम के. और इसकी जो खुशबू है वो ठीक ठाक है, मतलब इतनी भी पर ठीक ठाक इन द सेंस मैं कहूँगी थोड़ा ना जैसे चीप सोप्स की खुशबू कैसे होती है फ्रेंड्स, उस तरीके की इसकी खुशबू है. मतलब बहुत ही अजीब प्रोडक्ट है ये Everyouth का. मुझे तो मतलब बहुत ज़्यादा ही मैं डिसअपॉइंट हो गई थी जब मैंने इसे परचेज़ किया था. ये ट्यूब अभी मैं यूज़ कर रही हूँ, बट मैं इसे अपने फेस पे नहीं यूज़ करती हूँ फ्रेंड्स. मैं जैसे कभी मुझे अपना घर पे वॉश बेसिन को क्लीन करना होता है तो मैं थोड़ा सा डाल के अपने वॉश बेसिन को क्लीन कर लेती हूँ. मैं उस पर्पज़ के लिए इसे मैंने रखा हुआ है. रैदर देन थ्रोइंग इट लाइक दिस आई वुड प्रेफर टू फिनिश इट इन दिस वे एंड देन थ्रो इट, बिकॉज किसी और को दे के वो बंदा भी डिसअपॉइंट हो तो मैं ऐसा नहीं चाहती थी. तो मैंने सोचा इसको उस तरीके से यूज़ कर लूँ मैं. बहुत खूबसूरत तो डिस्प्ले पे ये लोगों ने एक नीम की पिक्चर लगाई हुई है, नीम के पत्तों की विद अ स्प्लैश ऑफ वाटर. बट प्रोडक्ट अंदर से एक कंप्लीट फेलियर प्रोडक्ट है मैं कहूँगी. बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. इनफैक्ट जो मैंने आपसे दो पॉइंट्स कहे हैं कि ये फेस पे जैसे आप इसे मसाज करते हैं क्लीन करते हैं फेस पे, तो आपको ये नहीं फील होगा कि बहुत अच्छे से आपका फेस क्लीन हुआ है. और घंटे दो घंटे के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि आपको फील होगा कि आपने सुबह से अपना फेस क्लीन ही नहीं किया है. इसका एक मेजर पॉइंट और है फ्रेंड्स कि नॉर्मली हम जैसे फेस वॉशेज यूज़ करते हैं, जैसे अभी रिसेंटली मैंने पियर्स की फेस वॉश की आपसे आप सबको मैंने बताया है पियर्स की फेस वॉश के बारे में. वो इतना सा ही आपको लेना है, और वो बहुत अच्छे से फोम क्रिएट करता है. हिमालय का फेस वॉश क्लीन एंड क्लियर जो है वो बहुत अच्छे से फोम क्रिएट करते हैं. ये जो प्रोडक्ट है फ्रेंड्स, ये इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है कि आपको इतना ज़्यादा इसे लार्ज अमाउंट में स्क्वीज़ करना पड़ेगा ट्यूब को, तब जाके ये फोम क्रिएट करेगा आपके फेस पे.
विच आई गेस दिस इज़ अ वेरी वियर्ड थिंग. मैंने ऐसा फेस वॉश अपनी लाइफ में आज दिन तक नहीं देखा है कि इस तरीके से मतलब डिसअपॉइंट करेगा अपने कस्टमर्स को. कि मतलब ये कहने की बात नहीं है कि कोई भी एंगल से मैं इससे प्रूव नहीं कर सकती हूँ कि ये एक भी पॉइंट इसका ऐसा नहीं है कि मैं प्रूव कर पाऊँ आप सभी के सामने कि ये पर्टिकुलर सेगमेंट में अच्छा है, या मैं कहूँगी कि यूज़फुल होगा ऐसे वैसे कुछ किसी काम का नहीं है फ्रेंड्स ये फेस वॉश. बहुत बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है. ये यहाँ पे इस पे ज़रूर लिखा हुआ है 100% सोप फ्री फेस वॉश, बट इस पे आपको वो चीप सोप्स जो मिलते हैं फ्रेंड्स वैसी आपको स्मेल डेफिनेटली आएगी अगर आप इसे यूज़ कर रहे हैं या आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा इस फेस वॉश से, कि आपको वो गंदी सी सोप की स्मेल ज़रूर आएगी. सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स लिखा हुआ है, बट ये ऑयली स्किन वालों के लिए जो नीम स्पेशली उन लोगों के लिए टारगेट किया गया है. ये नीम फेस वॉश ऑयली स्किन को ही नहीं सूट कर रहा है, तो आप यहीं से गेस कर सकते हैं कि बाकी स्किन टाइप्स को ये फेस वॉश किस तरीके से सूट होगा. आई डोंट थिंक सो ये सूट होगा बाकी स्किन टाइप्स वालों को भी. फेस वॉशेस के अंदर फ्रेंड्स ये फेस वॉश में कभी ना इन्वेस्ट कीजिएगा आप. मैं पूरे गारंटी से ये बात तो आपसे ज़रूर कह सकती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा आपका मूड भी ऑफ हो सकता है कि ये आपने क्या प्रोडक्ट खरीद लिया है. सो दैट्स इट फ्रेंड्स. आई होप मैंने अपने जितने भी मेरी इन्फॉर्मेशन थी इस एवरयूथ नेचुरल्स प्योरीफाइंग नीम फेस वॉश के बारे में मैंने आप सभी के सामने बहुत क्लियरली रख दी है. अगर फिर भी आपके मन में कुछ सवाल हो इस प्रोडक्ट रिलेटेड मुझसे पूछने के लिए, या अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और ब्रांड के फेस वॉश के बारे में रिव्यू करूँ, तो आप मुझे डेफिनेटली नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा फ्रेंड्स. मैं आपके सवालों का ज़रूर जवाब दूंगी और आपकी रिक्वेस्ट को ज़रूर पूरा करने की भी कोशिश करूँगी. इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर ज़रूर दीजिएगा दोस्तों, और मेरे चैनल डेली रिव्यू को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मी. बाय.